इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई स्कीम का रिव्यू कर सकती है सरकार। 2026 तक 250 से 300 अरब डॉलर का कम किया गया टारगेट भी हासिल करने की आशंका के चलते विचार। बेंगलुरु में 3 यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट 1 मिनट लेट होने से रोकने पर इंडिगो ने दी सफाई। कहा, दुबई के सख्त नियमों के चलते किया फैसला, यात्रियों के नुकसान की करेंगे भरपाई। एलआईसी के आईपीओ के आने से पहले मार्केट पर गिरावट का खतरा मंडराया। 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के मेगा आईपीओ में पैसे लगाने के लिए मार्केट से रकम निकाल सकते हैं निवेशक। लिस्टिंग के पहले दिन 27% लुढ़क कर 1,560 पर पहुंचा पेटीएम का शेयर। एक दिन में पेटीएम के निवेशकों को 38,000 करोड़ का हुआ नुकसान। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को देश लौटाने के लिए पीएम ने दिया साफ संदेश। कहा, सरकार डिफॉल्टर्स से कर चुकी है 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी। प्री कोविड स्तर के करीब पहुंचता हवाई यातायात। हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने और प्रतिबंध घटने से कोरोना काल के पहले के 85% के बराबर हुआ हवाई यातायात। सीईए के वी सुब्रमण्यम ने हालिया आर्थिक सुधारों को ग्रोथ बढ़ाने में मददगार बताया। कहा, रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार की जरूरत। एमएसएमई को 1 करोड़ तक लोन देने के लिए गूगल से भी ने मिलाया हाथ। गूगल इंडिया ने लोन प्रोग्राम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड किया तैयार। निवेश के लिहाज से भारत है एनआरआईज की पहली पसंद। एचएसबीसी के सर्वे के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भारत लौटने की जगह अपने मौजूदा देश में रहना करेंगे पसंद। अलीबाबा ग्रुप के जैक मा को चीन सरकार के खिलाफ बोलना पड़ा भारी। सरकार की कार्रवाई के बीच जुलाई सितंबर तिमाही में 81% लुढ़का कंपनी का मुनाफा।